रही हूँ दोस्तों। जो दिन में भेड़पालक गए थे, मैं उनको ढूंढने के लिए गया था लेकिन वो मुझे मिले नहीं, तो मैं दूसरी जगह आया। इतनी जल्दी बन गई? हम तो सटा-सट बनाते हैं, सटा-सट। थैंक यू, काली चाय है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये पी रहे हैं संतरा है ना, और मैं पी रहा हूँ अभी ब्लैक टी। देखिए सब्जी क्या बनी थी आज, मलका और न्यूट्री मिक्स। शाम को एक दो पैक लगाते हैं हम, फिर चुपचाप सो जाते हैं अपने। इनको दे दिया खाना? नहीं दिया अभी। अच्छा अच्छा, अब इनको पता लग गया है कि आपने खा लिया तो हमें मिलने वाला है खाना ना। ये आई ऊपर देखो, ये देखो दोस्तों इसके बाल कितने ज्यादा हैं, बाण है ये। और एक ये काटती थोड़ी ना, ये नहीं काटती, साइड में भी है। देखिए आसमान में कितनी सुंदर लाइटें दिखाई दे रही है एक लाइन में। ये देखिए दोस्तों इनकी भेड़ बकरियां बहुत सारी है। ये टोटल कितनी है? ये 1400। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब दो डेरे हैं मिक्स है ना? दो डेरे मिक्स है। शाबाश। ओ सारे आलू दे नच दे खेल दे तू खेली ना हो गया मामा बेड़ा सारा उतरी दारा आओ गदिया मामा बेरा सरदा सरदा उतरी दारा सरदा उतरी दारा बेरा सरदा उतरी दारा आओ गदिया मामा बेरा सरदा सरदा उतरी दारा। आप गन किस लिए रखते हो? भेड़ बकरियों के लिए, मतलब चोरों वगैरह से? चोरों चारों के डर के मारे तब रखी है। पकड़ा है आपने कभी चोरों को? पकड़ा तो नहीं है, भाग जाते हैं, कुत्ते छोड़ते हैं रात को सारे कुत्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी यहाँ अपने ये गदी लोग हैं भेड़ पालक, इनको प्रॉब्लम ये है यहाँ करोड़ों की भेड़ बकरियाँ डूबी है। कुंडली है तो फिर आपकी भेड़ बकरियाँ कैसे पार करती है नाला? पानी से डालते हैं, यहाँ से डालते हैं, कोई जो चली गई तो उसका कौन समाधान करेगा? मतलब कई बह जाती है उसमें? बह जाती है बहुत, तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इतने लोग जितने भी आते हैं गदी लोग निकल जाते हैं बाहर, पानी का फ्लो ज्यादा है वहाँ, फ्लो बढ़ता है, कई बार इतना नुकसान हो जाता है, घोड़े गाड़ी की भी ले जाते हैं, घोड़ा भी बह जाता है, घोड़ा भी बह जाता है। जगह कौन सी है वो? राले नाले। देखिए दोस्तों ये है इनकी सबसे बड़ी फीमेल डॉग। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेल है, खाना डाल दिया है अब चारों को। देखिए खाने में जो आप बनाते हो वही देते हो ना। भालू लाल है, इतने बड़े लंबे बाल है उसके, वो सीधा पड़ता है खा के जाता है वो बकरी को। डेरे में नहीं पर गद्दी लोगों के दूसरे लंबर के डेरे में कहीं ना कहीं वो चटका लगा के जाता है। तो फिर आप भगाते नहीं उसको? भगाते हम, कुत्ते पड़ते हैं फिर हट टीच करनी पड़ती है। नाखून भी ऐसे लंबे है, ऐसे सीधा दबोच देता है वो, बस हम डर जाते हैं। हवा ठंडी चलती है वहाँ ना? ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा है वहाँ तो है ना, रात काटना भी मुश्किल हो जाता है। मिलेंगे फिर आपसे? मिलेंगे। आप दूसरे डेरे के हो या इसी डेरे के हो? मैं इसी डेरे का हूँ। अच्छा मेरे साथ जा रहे हो आप? आपको छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे छोड़ने जा रहे हैं ये। रास्ता तो है ही नहीं, पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ रहा है। बादल चाचू कुत्ता है इधर,
वहाँ पे जाना है हमें। दूर से आवाज इसलिए डालनी पड़ती है क्योंकि कुत्ते खुले होते हैं रात को। बाण देखो, बाण है ये, बाण है ये, देखो ये बाण। और जी राम राम जी, राम राम जी, रात बहुत बढ़िया। मुंह के तू तक रात आज भी जाए तब तो तू जाए नहीं है। साइज क्या जान भी है। थैंक यू। ये पुदीना, पुदीना हाँ सूखा। अच्छा सूखा पुदीना। ओ बक दिलोगे टे मर रगे लो तू पुआला अगला गिलो कदिगे गेटे लो। इस पैक के लिए फानी तंडा साथ है आज बजाना अपने खा गया है पिछले डेरे में भी इन्होंने चाय पिलाई थी ना। बिल्कुल पिलाई थी। चाय नहीं है पिछले डेरे में, इस डेरे में ब्लैक टी पी। उनमें क्या फर्क है? फर्क है कि नहीं है? फर्क फर्क बस ऐसा है कि इसमें वो क्या डाला था आपने? पुदीना है ना, पुदीना डाला था है ना। यही फर्क था ना। यही जब पी के तो पता लगता होगा। टेस्ट चेंज हो गया, तो पीने से पहले लग गया था जब इन्होंने डाला था। थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया बना। पुदीना तो आप घर से लाए थे? घर से ही है सूखा पुदीना, घर से ही। हाँ 2 महीने के लिए लाया था। अच्छा अच्छा। हाँ टॉर्च लगा रहे भेड़ों पे। सुनो टॉर्च क्यों लगा रहे हैं अभी? बस बस कोई बैटरी लाइट देखा नीचे ना। अच्छा लाइट दिखाई दी इनको। चलेंगे आप? ठीक है आराम से जाना। फिर अकेले ही जाना आपने? हाँ जी अकेले। यहाँ से रास्ता देख लो ना सीधा क्रशर तक। कोई नहीं मिलते हैं फिर ना? नहीं उधर जाना पड़ेगा ना, कॉल भी करनी है, फिर एडिट भी करनी है ना वीडियो। नहीं तो बैठो बस, फिर मिलेंगे फिर टॉप में। रास्ता कहाँ जैसे से है? सीधा यहाँ। ओ बारिश भी लग गई थोड़ी थोड़ी, अब मैं चलने ही लगा था और बारिश भी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। इसको उठा लेता हूँ, भूल गया। यहाँ से कुत्ता तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। सड़क ही नहीं मिल रही। फाइनली मैं सड़क पे पहुंच गया, लेकिन मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही डरावना रास्ता है, पर क्या करें, कुछ सफर अकेले तय करने पड़ते हैं। यहाँ पे भालू भी काफी होते हैं और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए फाइनली मैं सुंदरी के पास पहुंच गया और बहुत ही डरावना रास्ता था, कम से कम 2 किलोमीटर था। मैंने सोचा बस अब सुंदरी दिख जाए, अब सुंदरी दिख जाए। अब इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हरिओम।